Hello friends, in this video we are going to see about damped oscillation. So in damped oscillation we are going to see first of all its definition, then we are going to see its differential equation, then solution of the differential equation, that is here we are going to find out its amplitude, that is amplitude of damped oscillation, and then its few types. Okay, so let's start. बिफोर वी स्टार्ट, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप देख सकें हमारे वीडियोस। सो गाइस, अभी डैम्प्ड ऑसिलेशन को समझने के लिए ना आप एक एग्जांपल इमेजिन कर लो, दैट इज इमेजिन करो कि एक पेंडुलम जो है वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो अभी कुछ देर के बाद क्या होगा, जैसे ही टाइम बढ़ते जाएगा ना, वो पेंडुलम जो है धीरे 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 अपने स्टेडी पोजीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और ऐसा समय आएगा जब वो पेंडुलम पूरी तरह से रुक जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है, वो होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन की वजह से। बिकॉज इन डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या हो जाता है, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाता है, राइट। सो इन डेफिनेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन वी कैन से दैट डैम्प्ड ऑसिलेशंस आर दोज ऑसिलेशंस इन विच एम्पलीट्यूड इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, राइट। इन डैम्प्ड ऑसिलेशन हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाता है। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स प्रोसीड विथ एक्चुअल डेरिवेशन। सो फ्रेंड्स, अभी वहाँ हमारे पिछले वाले एग्जाम्पल में वापस जाते हैं, ओके। सो यहाँ पर आपको एक पेंडुलम दिख रहा है जो एयर में ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम होते होते ये रुक जाएगा, बराबर। तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है, ऑफ कोर्स एयर की रेजिस्टेंस की वजह से, राइट। सो अभी हम कह सकते हैं कि इस बॉब पर जो है एक्सटर्नल रेजिस्टिंग फोर्स एयर का एक्ट हो रहा है, राइट। और कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पर, इस पेंडुलम का इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो भी यहाँ पे एक्ट कर रहा है, जो कि मोशन को अपोज कर रहा है, राइट। सो हम लिख लेते हैं कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन डैम्प्ड ऑसिलेशंस आर फर्स्ट वन, दैट इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, राइट, व्हिच इज गिवन एज एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अभी ये माइनस क्यों गाइज, क्योंकि इट इज़ ड्यू टू ये जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है वो मोशन को अपोज कर रहा है, राइट। सो हम सेकंड लिख सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टिंग फोर्स, राइट, रेजिस्टिंग फोर्स, उसे हम किस तरीके से लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस आर डी एक्स बाय डी टी, फिर आर इज अगेन एक्सटर्नल रेजिस्टिंग फोर्स कॉन्स्टेंट, राइट। सो अभी यहाँ पे माइनस साइन फिर से इंडिकेट करती है कि ये मोशन को अपोज कर रहा है। और थर्ड फोर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए, राइट गाइस। जब हम तीनों इक्वेशंस को एक साथ मिला लेते हैं तो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, फिर एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस आर डी एक्स बाय डी टी, राइट। सो अभी हम क्या कर लेते हैं कि इस आर और इस के की टर्म्स को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इस साइड, तो फिर हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, फिर एम ए प्लस के एक्स प्लस आर डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, राइट गाइस। सो अभी हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, राइट। सो और इस पूरे इक्वेशंस को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एम से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय एम, राइट। सो अभी हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, फिर एम प्लस अंडर ब्रैकेट के बाय एम इंटू एक्स प्लस अंडर ब्रैकेट आर बाय एम इंटू डी एक्स बाई डी टी
इज इक्वल टू जीरो। सो अभी हम क्या कर लेते हैं, इस k बाई एम जो एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और इस r बाई एम को वो भी एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, उन्हें हम दो और कांस्टेंट से बदल लेते हैं। ओके सो लेट्स सब्स्टिट्यूट k बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड r बाई एम इज इक्वल टू 2b। सो फिर हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, फिर अफसर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज और इक्वेशन चेंजेस टू a प्लस ओमेगा स्क्वायर x प्लस 2b dx बाई dt इज इक्वल टू। सो एज वी नो गाइज, a को हम d2x बाई dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट। सो अभी हम लिख लेते हैं यहाँ पे d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x प्लस 2b dx बाई dt इज इक्वल टू जीरो, राइट। इसे हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे रीज़न लिख लेते हैं, सिंस a कैन बी रिटर्न एज d2x अपॉन dt स्क्वायर। ओके सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अभी हमें ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मिल गया ऑफ डैम्प ऑसिलेशन, राइट। जब यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यानी कि इसका मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन भी होगा, राइट। सो अभी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज ऑफ द फॉर्म हियर x इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू अल्फा t। ओके सो यहाँ पे x क्या है, एम्पलीट्यूड है ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो हमें क्या करना है, इस x की वैल्यूज को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो उसके लिए हमें x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और उसका एक और बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, राइट। सो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे dx बाई dt इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा इंटू ई रेस टू अल्फा टी, राइट। क्योंकि आपको पता ही है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स क्या हो जाता है, ए इंटू ई रेस टू एक्स, राइट। सो अभी हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा स्क्वेयर इंटू ई रेस टू अल्फा टी। ओके सो लेट्स सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरीके से दिखेगा फिर। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सो हमारा इक्वेशन 1 इस तरीके से दिखेगा, a इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू ई रेस टू अल्फा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस 2b dx बाई dt इज इक्वल टू जीरो। ओके सो अभी हम यहाँ पे x की वैल्यू और dx बाई dt की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फिर हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा फिर। a इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू ई रेस टू अल्फा टी प्लस क्या था, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इंटू ई रेस टू अल्फा टी प्लस 2b। यहाँ पे dx बाई dt की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, dx बाई dt हमें मिला था a इंटू अल्फा इंटू ई रेस टू अल्फा टी इज इक्वल टू जीरो। तो हम इस पूरे इक्वेशन से a इंटू ई रेस टू अल्फा टी को कॉमन निकाल लेते हैं, दैट इज a इंटू ई रेस टू अल्फा टी हमने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचा अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ओके सो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रहा है। ओके सो इन दोनों में से कोई एक तो जीरो होना चाहिए, बराबर ना। यहाँ पे गाइस a इंटू ई रेस टू अल्फा टी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता,
क्योंकि हमें पता है कि e रेस्ट टू जीरो भी हुआ तो उसका आंसर वन आ जाता है, राइट। दैट इज़ e रेस्ट टू एनीथिंग, आंसर कभी भी जीरो नहीं आता। सो हम लिख सकते हैं कि सिंस a इंटू e रेस्ट टू अल्फा t इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो हम इस इक्वेशन को दोबारा कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल रहा है, राइट। दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, फिर ए क्या है हमारा वन, बी है टू बी और सी है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। दैट इज हम जानते हैं कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी गिवन एज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, राइट। सो हम इसे यहाँ पे ब्रैकेट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो फिर हमारे ये इक्वेशन नंबर, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर टू, ओके। सो हमारा इक्वेशन नंबर टू कुछ इस तरीके से दिखेगा, फिर यदि हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू अल्फा क्या आ जाएगा, फिर माइनस टू बी प्लस माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर कुछ टू बी स्क्वायर माइनस फोर, ये क्या है हमारा वन है और सी क्या है हमारा ओमेगा स्क्वायर है अपॉन टू ए, राइट। सो यहाँ पे ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, फिर माइनस टू बी प्लस माइनस फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू। सो यहाँ पे हम इस फोर को कॉमन निकाल लेते हैं और इस अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज हो जाएगा टू पे, राइट। सो इन दोनों से हम टू कैंसिल कर देते हैं, सो फिर हमारा इक्वेशन थ्रू आउट द टू कैंसिल करने के बाद बचाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। देखो हमने टू टू को ऊपर नीचे से डिवाइड कर दिया है अल्फा, दैट इज हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे अल्फा की दो दो वैल्यूज मिल सकती हैं, राइट। हमें मिला है अल्फा वन इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और अल्फा टू मिला हमें माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब हम यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन की तरफ मुड़ जाते हैं, ओके। सो हम लिख सकते हैं कि देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी गिवन एज x इज इक्वल टू a इंटू e रेस टू अल्फा वन t प्लस b इंटू e रेस टू अल्फा टू t, राइट गाइस। सो अभी हम यहाँ पे अल्फा वन अल्फा t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a रेस टू अल्फा वन बन जाएगा हमारा माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर t प्लस b इंटू e रेस टू माइनस b माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। सो फिर यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड का इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ गया है, हिंस वी कैन राइट हियर एज अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके सो गाइस, आपने इस इक्वेशन पे गौर किया तो लेट्स कंसीडर दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर थ्री। सो इफ वी ऑब्जर्व दिस इक्वेशन नंबर थ्री केयरफुली वी केम टू अंडरस्टैंड दैट अकॉर्डिंग टू दिस बी स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर देयर आर एग्जिस्ट थ्री टाइप्स, ओके। सो फर्स्ट कैटेगरी में हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, ओके।
सेकंड कैटेगरी में हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और थर्ड कैटेगरी जो आती है उसमें ऑफ कोर्स बी स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर। ओके सो देख लेते हैं वैसे कैटेगरी वाइज। वी कैन से दैट केस वन व्हेन बी स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, सो व्हेन बी स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर देन we can say that this under root b square minus omega square, this whole terms become imaginary, right guys, because b square is less than omega square, hence here minus sign is present inside root, right? So this whole term is become imaginary. So we can say that when this term become imaginary, damped force is much smaller as compared to restoring force, right? Then such oscillations are said to be underdamped oscillation. अभी guys इसका best example हम ले सकते हैं कि pendulum kept in an air medium, right? जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा pendulum जो है वो धीरे धीरे oscillate करके अपने equilibrium position में आ जाएगा, वो कौन सी कैटेगरी में अंडर आ जाता है, अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशंस, राइट? सो हियर वी कैन से दैट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टर्म बिकम्स इमेजिनरी राइट, ऑल्सो डैम्प्ड फोर्स जो है वो मच स्मॉलर है एज कंपेयर टू रिस्टोरिंग फोर्स, राइट? इसकी वजह से क्या होगा कि जो पार्टिकल है जो ऑसिलेट कर रहा है वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए बहुत ज़्यादा समय लेगा और ऑसिलेट करेगा, राइट? सो हमें यहाँ पे नेक्स्ट हमारे केस की तरफ हम चले जाते हैं, दैट इज केस नंबर टू। क्या आ जाएगा फिर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, राइट? व्हेन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, दिस टर्म्स दैट इज दिस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस होल टर्म बिकम जीरो, राइट? सो सच ऑसिलेशंस आर नोन एज क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशंस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सच ऑसिलेशंस आर क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशंस, राइट? इस क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन का हमें बेस्ट एग्जांपल लेना है तो हम ले सकते हैं कि पॉइंटर मोशन ऑफ वोल्टमीटर और एमीटर आर परफॉर्मिंग एन क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन, राइट? जो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वोल्टमीटर और एमीटर में जो पॉइंटर होता है वो झट से इक्विलिब्रियम पोजिशन में आ जाता है, राइट? डिस्प्लेस होके वापस झट से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। वो किस पे डिपेंड करता है, इस क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन के आधार पर उसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो झट से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ सके विथआउट ऑसिलेटिंग। आई रिपीट, विथआउट ऑसिलेटिंग। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, मोशन ऑफ पॉइंटर इन वोल्टमीटर और एमीटर राइट। अब हम केस नंबर थ्री ले कंसीडर कर लेते हैं। सो हम केस नंबर थ्री का क्या आ जाएगा फिर, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर। गाइस आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि व्हेन बी स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर ऑसिलेशंस आर कॉल्ड एज अंडर डैम्प्ड, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर क्रिटिकली डैम्प्ड, देन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा फिर, ऑफ कोर्स ओवर डैम्प्ड, राइट? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन, राइट? अभी यहाँ पे ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन का एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। पेंडुलम जो है समझो ऑयल मीडियम में हमने रखा है, राइट? जब पेंडुलम को हम ऑयल मीडियम में रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा और रुक जाएगा,
विथआउट ऑसिलेटिंग, राइट, ना ही आगे बढ़ेगा ना ही पीछे जाएगा, बल्कि धीरे धीरे अपनी इक्विलिब्रियम पोजिशन पर आके रुक जाएगा। देन सच ऑसिलेशंस आर कॉल्ड एज ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अभी यहाँ पे ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशंस में क्या है, डैम्प्ड फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स से ज़्यादा होने के कारण वो धीरे धीरे करके अपने इक्विलिब्रियम पोजिशन में आ जाता है, यहाँ भी विथआउट ऑसिलेटिंग है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं, पेंडुलम केप्ट इन ऑयल, ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन का अनादर बेस्ट एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं। क्या आपने ऑटोमेटिक क्लोजिंग ओपनिंग डोर्स तो देखे होंगे गाइस, राइट, वो तो वो डोर का मैकेनिज्म जो है वो किस पे डिपेंड हो करता है, इस ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशंस पे। मैं आपको फिर से इन तीनों के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। इन अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या हो जाता है, पार्टिकल जो है वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करके धीरे 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 अपने इक्विलिब्रियम पोजिशन में आ जाता है। इन क्रिटिकली ऑसिलेशन और पार्टिकल विल ट्राई टू गेट इन इक्विलिब्रियम पोजिशन एज क्विक एज पॉसिबल, राइट, पार्टिकल जो है अपनी इक्विलिब्रियम पोजिशन में आने का जल्द से जल्द प्रयास करेगा विथआउट ऑसिलेटिंग। हियर ऑसिलेशंस आर परफॉर्म्ड, हियर ऑसिलेशंस आर नॉट परफॉर्म्ड एंड लेट्स टाइम कंज्यूम्ड बाय पार्टिकल टू कम एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन। एंड इन थर्ड कैटेगरी दैट इज ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन, पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे अपने इक्विलिब्रियम पोजिशन में आ जाएगा, दैट इज़ वो क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन से ज़्यादा समय लेगा लेकिन ऑसिलेट ना करते हुए अपने स्टेडी पोजिशन में आ जाएगा, दैट इज़ ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस, इफ एनी डाउट्स यू कैन मेंशन मी इन द कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।